बॉल बम 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 बॉल बम 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 बॉल बम 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 हर हर महादेव हर हर महादेव भोले शंकर की जय नीलकंठ महादेव की जय कावड़ियों की जय बोल बम बम बम। अरे योगी जी मुझे एक बात तो बताओ। अरे ये जो आपके दिमाग में आइडिया आया था नेम प्लेट का, अरे कहाँ से आया था? अरे आपके दिमाग में जो भी आइडिया आते हैं योगी जी, सारे आइडिया ऐसे ही आते हैं कि हमारी बेइज्जती करा देते हो हैं। अरे फिर हमको कोर्ट लताड़े मारता है, कोर्ट हमको तमाचे मारता है, पूरे देश में बेइज्जती हो जाती है ये। अरे इसका मामला क्या था? अरे तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अरे योगी जी ये बताओ, आप नेम प्लेट पे उनकी रेडी ठेली वालों के नाम की नेम प्लेट लगवा करके क्या साबित करना चाह रहे थे? उससे होने वाला क्या था हा? अरे मुझको तो लग रहा है उससे माहौल ख़राब होता हा? अब देखो फिर कोर्ट ने उसमें निर्णय लिया, बेइज्जती हो गई ना आपकी। देखो कुछ भी निर्णय लो, सोच समझ के लो, धर्म से ऊपर लो, राजनीति ना करो। अरे क्या बताऊँ तुम्हें मोदी जी, अरे मैंने तो सोचा कुछ और था, ये उल्टा पड़ गया। अरे यहाँ तो लेने के देने पड़ गए थे। अरे मेरा इरादा तो कुछ और था हाँ। अरे मैं तो हिंदू राष्ट्र की बात करता हूँ, अब ये तो पासा उल्टा पड़ गया। कोर्ट ने इसका निर्णय गलत ले लिया, इसीलिए तो मैं अब कावड़ लेके जा रहा हूँ, ताकि लोगों के मन में जो बहम है, जो मेरे प्रति गलत फहमी है वो निकल जाए। इसीलिए तो मैं कावड़ लेके जा रहा हूँ और आपको ले साथ में लेके जा रहा हूँ हाँ। बताइए, अरे हमारे साथ पूरा देश था, ये तो कोर्ट ने गलत कर दिया। अब समझ में नहीं आता है, बाजी बार मेरा दिमाग काम नहीं करता है, कई बार तो मुझे जो निर्णय लिए जाते हैं मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, मुझे संतुलन बिगड़ जाता है, इसलिए मैंने निर्णय लिया। अरे आप तो मुझको सलाह दे सकते हो, आप तो प्रधानमंत्री हो हैं। अरे चलो अब तो जो होना था हो गया, जो बेइज्जती होनी थी हो गई। अब तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप चले और हरिद्वार से गंगा जल लेकर के आते हैं, भगवान श्री भोलेनाथ जी के चरणों में जल चढ़ाते हैं, जलाभिषेक करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, अर्जी लगाते हैं, कावड़े लेकर चलते हैं। चलिए आप भी जल्दी चलिए। अरे योगी जी थोड़ा ध्यान से रहो, आपको पता है इस बार लेने के देने पड़ गए हैं, गठबंधन ने ऐसी की तैसी कर दी हमारी हैं, पिछवाड़े में पूरा पंजा घुसो दिया और आप फिर ऐसे स्टैंड ले रहे हो हैं। अरे 2027 का चुनाव है, तुमको कोई वोट नहीं देगा, धक्के दे के यूपी से बाहर निकालेगा, क्यों हमारी बेइज्जती करवा रहे हो? ईमानदारी की बात करो। चलो अब हरिद्वार चलते हैं भोलेनाथ के चरणों में।